गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द फिक्स्ड असेट्स और एनी इनकम अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और एनी असेट्स। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अगर आप कोई फिक्स्ड असेट्स को सेल करेंगे तो आपको कैश आएगा, तो ये आपका इनफ्लो होगा, मतलब कैश इंक्रीज करेगा। सेकेंड, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अगर आप कोई असेट्स फिक्स्ड असेट को परचेज करेंगे तो आप पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट वो हमारा आउटफ्लो होगा। सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं नॉन करेंट को, तो कैश आएगा, मींस ये आपका आउटफ्लो इनफ्लो होगा। और परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, ये आपका इनफ्लो होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव हुई तो कैश आया आपके पास, ये इनफ्लो हुआ। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, यानी आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर में, उस पर डिविडेंड रिसीव हुआ, तो वो भी आपके लिए इनफ्लो होगा, यानी कैश भरेगा। और रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेज की है, उससे आपको रेंट रिसीव हो रहा है, तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होगा। तो यानी ये आइटम्स आपके काउंट किए जाएंगे रिलेटेड टू द आपके जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो है और आउटफ्लो है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट आर द इनफ्लोज एंड व्हाट आर द आउटफ्लोज ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो देखिए इस फॉर्मेट में दे रखा है कि अगर आप कोई टेंजिबल असेट सेल करते हैं तो वो आपका इनफ्लो होगा, ठीक है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो वो इनफ्लो होगा। लोन या एडवांस आप लेते हैं किसी से तो वो इनफ्लो होगा, ठीक है। सॉरी, रीपे करते हैं, जो आपने लोन दिया था वो आपको वापस मिलता है, ठीक है। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है और उससे इनकम अर्न हो रही है तो वो आपके लिए इनफ्लो होगा। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, उससे आपको रेंट आ रहा है, वो इनफ्लो है। डिविडेंड शेयर पर रिसीव हो रहा है तो इनफ्लो है। और इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर पर आपको इंटरेस्ट अर्न हो रही है तो भी वो इनफ्लो है। आउटफ्लो क्या है? अगर आप परचेज करते हैं किसी असेट्स को तो वो आउटफ्लो होगा क्योंकि आप पेमेंट करेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो भी वो आउटफ्लो होगा क्योंकि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। या लोन या एडवांस आप किसी को देते हैं तो भी आपके पास से कैश जाएगा, वो आउटफ्लो होगा। सेल और परचेज करने के लिए आपको यहां पर एक अकाउंट बनाना होता है, फिक्स असेट्स अकाउंट। ये मैं आपको पहले भी ऑपरेटिंग में भी बता चुका था, फिर देख लीजिए। जो ओपनिंग वैल्यू होती है प्रीवियस ईयर की, वो टू बैलेंस बीडी के नेम से आती है। अगर आपने कोई असेट सेल की है और उससे आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो टू पीएनएल के नेम से आता है। अगर आपने कोई असेट सेल की है तो सेल करने की वैल्यू बाय बैंक के नेम से आती है। अगर असेट्स को सेल करने से लॉस हुआ है तो बाय पीएनएल के नेम से इधर आएगा, और उस असेट्स पे जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो यहां पर आएगी। और जो असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा वो बाय बैलेंस बीडी के नेम से आप यहां लिखेंगे। आप इन सब का टोटल लगाएंगे, टोटल जो यहां लिखेंगे उसमें से ये दो आइटम माइनस करेंगे तो जो बैलेंस निकल कर आएगा वो टू बैंक के नाम से आप लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो परचेज होगी आपकी फिक्स असेट्स की। तो चलिए अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 35, ग्लोबल लिमिटेड की मशीनरी का जो बैलेंस है 1 अप्रैल 2019 को वो 8,60,000 रुपीज का है और 31 मार्च 2020 को 9,50,000 रुपीज का है। मींस ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेज हैं। डेप्रिसिएशन आप इस मशीनरी पर 40,000 चार्ज करते हैं,
बिगनिंग ऑफ द ईयर आपने एक मशीनरी 25,000 रुपीज में सेल कर दी जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 20,000 रुपीज की थी. रिटर्न डाउन वैल्यू मीन्स डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुकी है. इस अब आपको इससे निकालना है कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन ये अमाउंट आए कैसे इसके लिए चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन की बोर्ड प्रेजेंटेशन. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टेक वन इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि ग्लोबल लिमिटेड मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो 1 अप्रैल 2019 को 860,000 थी और 31 मार्च 2020 को 950,000 थी. डेप्रिसिएशन इन पर हमने 40,000 चार्ज किया है और एक मशीनरी का पार्ट हमने 25,000 रुपीज में सेल किया जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 20,000 थी. रिटर्न डाउन वैल्यू मीन्स डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमें कैश फ्लो बताना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कितना होगा. तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा मशीनरी का अकाउंट. मशीनरी का अकाउंट वही होगा जो मैंने आपको फॉर्मेट प्रीवियस वीडियो में बताया था फिक्स असेट्स का. तो फिक्स असेट्स का जो ओपनिंग अमाउंट होता है वो यहां पर आता है टू बैलेंस बीडी के नेम से. ये आपको दे रखा है 8,60,000 रुपीज. इसके अलावा जो क्लोजिंग अमाउंट है वो यहां पर आएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से और ये आपको दे रखा है 9,50,000 रुपीज. अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपने बाय एक मशीनरी का पार्ट सेल कर दिया कितने में 25,000 रुपीज में. ठीक है और आप ओवरऑल डेप कितनी लगा चुके हैं वो डेप्रिसिएशन आप यहां लिखेंगे कितने में 40,000 रुपीज में आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं. अब देखिए 20 की मशीन को आपने 25 में सेल किया. रिटर्न डाउन वैल्यू मशीन की थी 20,000 और आपने सेल किया उसे 25 में तो यानी आपको क्या हुआ प्रॉफिट. तो 2PNL अकाउंट के नाम से आप यहां पर जितना आपको प्रॉफिट हुआ यानी 5,000 रुपीज यहां शो कराएंगे. अब आप बैलेंस निकालेंगे टोटल हो रहा है ये 990 यानी 10,15,000 और 10,15,000 रुपीज में से आप ये माइनस करेंगे 865 तो 1,50,000 रुपीज ये आपका बैलेंस आएगा और इस बैलेंस को हम यहां लिखते हैं बैंक के नाम से पर ये एक्चुअल होती है परचेस की वैल्यू यानी आपने मशीनरी परचेस की है 1,50,000 रुपीज की. अब देखिए हम कैश फ्लो बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का. तो देखिए ये कैश फ्लो की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से आपका ऑपरेटिंग एंड हुआ है. तो नीचे हम लिखेंगे यहां पर सेकंड पॉइंट डालकर सबसे पहले तो आपने परचेज की है परचेज ऑफ मशीनरी. परचेज 150 की निकलकर आई है जो हमने अकाउंट में बनाया है और जो 150 होती है परचेज मैंने आपको बताया था बिगनिंग में ही कि आउटफ्लो होता है यानी नेगेटिव फिगर होती है क्योंकि आप कैश पे करेंगे. एक आपने असेट्स को सेल भी किया है 25,000 में तो ये भी आप यहां लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी और ये कितने में किया आपने 25,000 में और सेल हमारा इनफ्लो होता है क्योंकि कैश आएगा मींस पॉजिटिव फिगर. तो ये दो ही चीज हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है. तो देखिए टोटल लगाएंगे 150 नेगेटिव 25,000 पॉजिटिव यानी 1,25,000 नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव फिगर ज्यादा है तो ये कहलाएगा हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी 1,25,000 नेगेटिव वैल्यू है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की. स्टूडेंट्स एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 36. इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी दैट इज 4,00,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी 4,20,000. वी हैव एक्यूमेटेड डेप्रिसिएशन एज वेल 1,00,000 इन प्रीवियस ईयर एंड 1,10,000 इन करंट ईयर. पेटेंट्स की वैल्यू भी हमें गिवन है प्रीवियस ईयर में 2,80,000 और करंट ईयर में 1,60,000 रुपीज. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है हमको कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 40,000 एंड विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 सोल्ड फॉर 20,000 रुपीज. मींस एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट 40,000 रुपीज थी और जिस पर हमने 24,000 की डेप लगाई थी वो हमने 20,000 में सेल कर दी. देखिए मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग अमाउंट गिवन है यहाँ पे सेल भी गिवन है तो मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे. डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन गिवन है तो इसका भी अकाउंट बनेगा. और कुछ पेटेंट हैं जो रिटर्न ऑफ हो गए 40,000 के और कुछ पेटेंट्स को हमने 20,000 के प्रॉफिट पर सेल कर दिया. तो ये हमारा क्वेश्चन है. चलिए अब इसका हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं.
Now, students, let's take one more illustration, that is illustration number 36. In this illustration, machinery we have opening balance 4 lakh and closing balance 420. Accumulated debt 1,10,000 in current year and 1 lakh in previous year. Patents 280 in opening and 160 is in closing year. Additional information is there. During the year, machine costing 40,000 with its accumulated depreciation of 24,000 was sold for 20,000. Patents written off were 40,000 and some of patents were sold at a profit of 20,000. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दो चीजों की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मशीनरी की और पेटेंट की, और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपको डेप्रिसिएशन की. तो एक एक्चुअली आपको तीनों ही अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रिपेयर करता हूं प्रोविजन फॉर डेट. हालांकि प्रोविजन फॉर डेट का यूज ऑपरेटिंग में होता है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं. ओपनिंग वैल्यू इसकी क्रेडिट साइड में आती है, जो मैंने आपको कल फॉर्मेट बताया था, बाय बैलेंस पीडी के नेम से. वो इसकी ओपनिंग वैल्यू दे रखी है आपको 1 लाख, और क्लोजिंग वैल्यू यहां पर आती है डेबिट साइड में, टू बैलेंस सीडी के नेम से ये दे रखी है आपको 1,10,000. नीचे फर्स्ट एडिशनल पॉइंट में कह रहा है कि जो मशीनरी का पार्ट हमने सेल किया है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की थी 24,000. तो टू मशीन के नाम से सेल किए हुए पार्ट की डेप 24,000 यहां लिख देंगे. अब हम टोटल लगाएंगे, टोटल जो इसका होगा ये होगा 1,34,000, और 1,34,000 रुपीज में से 1 लाख माइनस करोगे तो 34,000 ये आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू हो जाएगी. मींस जो आप ऑपरेटिंग में डेप ऐड करेंगे उसकी वैल्यू 34,000 होगी. अब देखिए मैं बना लेता हूं मशीनरी का अकाउंट. एक मशीनरी हमारे लिए असेट्स होती है और इसकी ओपनिंग वैल्यू डेबिट साइड में आती है, तो इसे हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और मशीनरी का ओपनिंग अमाउंट आपको दे रखा है 4 लाख रुपीज, और क्लोजिंग जो वैल्यू है वो बाय बैलेंस सीडी के नेम से यहां पर आएगी 4,20,000 रुपीज. ठीक है, अब आपने एक मशीन 20,000 में सेल की है, तो देखिए बाय बैंक के नेम से जो सेल की है उसे आप दिखाएंगे यहां पर 20,000. जब प्रोविजन फॉर डेट का ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट गिवन होता है तो हम केवल सेल किए हुए पार्ट की ही डेट लिखते हैं, और वो भी प्रोविजन फॉर डेट के नेम से. तो यहां पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 24,000 सेल किए हुए पार्ट की डेट आ गई. ठीक है, अब देखिए मशीनरी थी 40,000 की जिसपे 24 की डेट लग गई, 16,000 उसकी कॉस्ट बची और हमने उसको सेल किया 20 में, तो हमें क्या हुआ 4,000 रुपीज का प्रॉफिट, और प्रॉफिट डेबिट साइड में आता है टू पीएनएल के नेम से 4,000 रुपीज. क्लियर, अब आप बैलेंस निकालेंगे 42440 और 4,64,000 ये टोटल हो रहा है इसका, और 4,64,000 रुपीज में से आप 4,04,000 माइनस करेंगे तो 60,000 बैलेंस आएगा, और ये हमारी परचेज हो जाएगी. ये बैंक के नाम से लिखा जाएगा पर एक्चुअल क्या है, परचेज. अब हम बनाएंगे एक पेटेंट का भी अकाउंट, क्योंकि पेटेंट की भी ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है और हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है. क्योंकि पेटेंट भी असेट्स होते हैं तो इसकी ओपनिंग वैल्यू डेबिट साइड में आएगी टू बैलेंस बीडी के नेम से, और पेटेंट की ओपनिंग वैल्यू दे रखी है आपको 2,80,000. क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है 1,60,000, इसे हम यहां क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी के नेम से 1,60,000. अब देखिए सेकंड एडिशनल पॉइंट में कह रहा है कि कुछ जो पेटेंट है वो रिटर्न ऑफ हो गए, और जो रिटर्न ऑफ हो गए उन्हें हम लिखेंगे पीएनएल के नेम से बाय साइड में बाय पीएनएल 40,000, 40,000 रुपए के रिटर्न ऑफ हो गए, और कुछ पेटेंट्स को हमने 20,000 के प्रॉफिट में सेल किया, और प्रॉफिट मींस डेबिट में आएगा 2 P&L और 20,000 का प्रॉफिट हुआ. अब आप बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस देखिए 280 और 20 कितना होता है 3 लाख, और 3 लाख में से आप डेबिट के आप यहां पे आइटम निकालेंगे माइनस करेंगे 160 और 40 यानी 2 लाख, 2 अगर 3 में से माइनस करेंगे तो आप 1 लाख रुपीज ये आपका बैलेंस आएगा. यहां पे बैलेंस ये परचेज थी, तो यहां पर जो बैलेंस आएगा बाय बैंक ये आपकी सेल निकल कर आएगी,
यानी आपने पेटेंट को सेल किया है 1 लाख रुपीज में। अब हम कैश फ्लो प्रिपेयर करेंगे इसका। तो कैश फ्लो जो जस्ट ऑपरेटिंग के नीचे से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मशीनरी का अकाउंट बनाया था जिससे परचेज निकल कर आई थी। तो परचेज ऑफ मशीन कितने की निकल के आई थी? 60,000। और मैंने आपको बताया था परचेज आउटफ्लो होता है मींस नेगेटिव फिगर। और हमने एक मशीन सेल भी की थी 20,000 में, सेल ऑफ मशीन। तो सेल हमारे लिए इनफ्लो होता है मींस पॉजिटिव फिगर 20,000 रुपीज की। जब हमने पेटेंट का अकाउंट बनाया तो पेटेंट से सेल निकलकर आई 1 लाख की। तो सेल ऑफ पेटेंट 1 लाख, ये हमारी पॉजिटिव फिगर हो जाएगी। अब देखिए 1 लाख 20,000 और 60,000 नेगेटिव, यानी 60,000 पॉजिटिव, ये हमारा कैश फ्लो हो जाएगा। और इसे हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 60,000 रुपीज का हमें अमाउंट अर्न हुआ है। One more illustration is there, that is illustration number 37. In this illustration, we have 10% investment and its opening value is 2,50,000 and current value is 5 lakh. We have fixed assets also 8,75,000 in previous year and 11,90,000 in current year. Additional information mein given hai ki beginning of the year ke half investment, yani is 250 ke half investment humne 10% ke profit par sale kar diye. डेप्रिशिएशन फिक्स असेट्स पर 1 लाख रुपीज लगानी है यानी इस पर, और इंटरेस्ट रिसीव हुई इन्वेस्टमेंट पे 35 जो इनफ्लो है, और डिविडेंड रिसीव्ड हुआ इन्वेस्टमेंट पे 25 ये भी इनफ्लो है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, फिक्स असेट्स की क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, इनसे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, तो इन दोनों के हमें अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे। तो चलिए बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। फ्रेंड्स लेट्स टेक वन मोर इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 37। इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव 10% investment in previous year 2,50,000 and in current year 5 lakh. Fixed assets in previous year 8,75,000 and in current year 11,90,000. Additional information is given, and first additional information is half of the investment held in the beginning of the year were sold at a profit of 10%. यानी जो beginning में हमारे पास investment थे वो 10% profit पे हमने sale कर दिए। डेप्रिशिएशन फिक्स असेट्स पर 1 लाख रुपीज की चार्ज करनी है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट पर 35,000 रुपीज का, और डिविडेंड रिसीव हुए हैं इन्वेस्टमेंट पर 25,000। तो देखिए इन्वेस्टमेंट और फिक्स असेट्स की हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवेन है, तो हम और ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू भी गिवेन है, तो हम इसका अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट्स है, तो इसका ओपनिंग वैल्यू यहां पर आएगा टू बैलेंस बीडी के नेम से। प्रीवियस ईयर में जो इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू थी वो थी 2,50,000, तो 2,50,000 यहां लिखेंगे, और क्लोजिंग वैल्यू यहां गिवन थी तो टू बैलेंस सीडी ये हम यहां पर लिखेंगे, और ये अमाउंट था क्लोजिंग ईयर का 5 लाख रुपीज। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिगिनिंग में हमारे पास इन्वेस्टमेंट थे यानी 2,50,000 रुपीज के, इसके हाफ इन्वेस्टमेंट, हाफ मतलब 1,25,000 के इन्वेस्टमेंट 10% के प्रॉफिट पर बेच दिए। तो 125 का 10% मींस 12,500, यानी 125 के इन्वेस्टमेंट को अगर हमने 12,500 के प्रॉफिट पे बेचा मींस 1,37,500 रुपीज में सेल किया। तो हम यहां पे लिखेंगे सेल को, हम यहां लिखते हैं बाय सेल और 1,37,500 जो हमें प्रॉफिट हुआ 12,500 रुपीज का वो यहां पर लिखा जाएगा टू पीएनएल के नाम से 12,500 रुपीज। ठीक है, अब देखिए आप इसका टोटल लगाएंगे, टोटल ये हो रहा है आपका 5,16,37,500। यही हमने यहां लिखा 6,37,500, और उसमें से 2,62,500 रुपीज हमने माइनस किए तो 3,75,000 रुपीज की परचेज निकल कर आई, जिसे हम लिखेंगे बाय बैंक के नेम से, और एक्चुअली ये हमारी परचेज है। अब हम एक बनाएंगे फिक्स असेट्स का अकाउंट, क्योंकि इसकी भी ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है और डेप्रिशिएशन गिवन है। तो देखिए फिक्स असेट की जो ओपनिंग वैल्यू है, क्योंकि असेट्स है तो डेबिट साइड में आएगी टू बैलेंस बीडी के नेम से, और ओपनिंग वैल्यू इसकी गिवन है 8,75,000।
और क्लोजिंग वैल्यू यहां पर आएगी बाय बैलेंस सीडी के नेम से, और फिक्स असेट्स की जो क्लोजिंग वैल्यू है वो हमें गिवन है 11,90,000। देखिए कोई भी फिक्स असेट सेल नहीं हुई है लेकिन हमें डेप्रिसिएशन गिवन है 1,00,000, तो हम डेप्रिसिएशन यहां लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन और यहां पर लिख देंगे हम 1,00,000, और इसके बाद हम टोटल लगाएंगे 11,90 और 1 यानी 12,90,000, और 12,90,000 में से 8,75,000 अगर माइनस करेंगे तो 4,15,000 रुपीज की परचेज निकलकर आ जाएगी, जिसे हम लिखेंगे टू बैंक के नेम से लेकिन एक्चुअल ये हमारी परचेज है। अब देखिए हम कैश फ्लो बनाते हैं, ये चीजें तो वर्किंग नोट की थी। कैश फ्लो के लिए सबसे पहले हमने बनाया था इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से परचेज निकल कर आई थी, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी परचेज आई थी 3,75,000, तो हम यहां लिख देंगे 3,75,000, और मैंने बताया है परचेज आउटफ्लो होता है नेगेटिव फिगर। अब देखिए हमने सेल भी किया था कोई इन्वेस्टमेंट 1,37,000 रुपीज में, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,37,500 और सेल ऑफ असेट्स हमारे लिए इनफ्लो होता है। अब हमने फिक्स असेट्स का अकाउंट बनाया था, फिक्स असेट्स के अकाउंट से परचेज निकलकर आई थी 4,50,000, तो ये भी हम यहां लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स और 4,15,000 और परचेज आउटफ्लो होता है, मींस नेगेटिव फिगर। इसके अलावा क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इंटरेस्ट रिसीव टू रिया इन्वेस्टमेंट पे 35,000, और इंटरेस्ट का रिसीव होना ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की इनफ्लो होती है, 35,000 पॉजिटिव, और डिविडेंड भी रिसीव हुआ है 25,000 का, तो डिविडेंड को भी हम यहां लिखेंगे डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी डिविडेंड रिसीव हुए इन्वेस्टमेंट पर 25,000 रुपीज के, तो ये भी इनफ्लो होगा। अब आप इनका टोटल लगाएंगे 375 और 4,15,000 ये नेगेटिव है, 1,37,500, 35,000 और 25,000 ये पॉजिटिव है, तो मींस 5,92,500 नेगेटिव ये बैलेंस आएगा। तो पॉजिटिव में से आप नेगेटिव को माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, और ये कहलाएगा हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि नेगेटिव है तो हमने यूज्ड वर्ड यूज किया है, अदरवाइज हम फ्लो वर्ड यूज करते हैं। फ्रेंड्स अब हम लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 38। इन दिस इलस्ट्रेशन हमें कुछ असेट्स की परचेज और सेल की वैल्यू गिवन है, ये ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू नहीं है, कितने की परचेज और कितने की सेल हुई है ये गिवन है। तो इन्वेस्टमेंट की परचेज है 1,80,000, आप जानते हैं कि परचेज आउटफ्लो होता है, और सेल है 1,00,000 और सेल इनफ्लो होता है। गुडविल परचेज 2,00,000 है, सेल कुछ भी नहीं है। मशीनरी परचेज 4,40,000 है और सेल 1,50,000 है, और पेटेंट परचेज कुछ भी नहीं की है लेकिन सेल हमारी 1,00,000 रुपीज की है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि इंटरेस्ट डिबेंचर पे रिसीव हुई है 16,000 की, डिविडेंड रिसीव हुआ है शेयर जो हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदे थे 20,000 रुपीज, और एक प्लॉट था लैंड का जिसे हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा था और उस पर हमें रेंट रिसीव हुआ 80,000। इसका सॉल्यूशन देखिए, जितनी भी परचेज हैं असेट्स की वो सब आउटफ्लो यानी नेगेटिव फिगर होंगी, जैसे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,80,000 नेगेटिव है, और जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 वो पॉजिटिव है। गुडविल परचेज 2,00,000 नेगेटिव है, मशीनरी परचेज 4,40,000 नेगेटिव है, लेकिन हमने मशीनरी सेल भी की है तो ये हमारी 150 पॉजिटिव है। सेल हमने पेटेंट को किया है 1,00,000, ये पॉजिटिव आएगा। इंटरेस्ट रिसीव हुई 16,000, ये भी पॉजिटिव क्योंकि इनफ्लो होगा। डिविडेंड जो रिसीव हुआ वो भी इनफ्लो 20,000, और जो प्लॉट हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया था उसका जो रेंट रिसीव हुआ वो भी 80,000 पॉजिटिव। अब हम बैलेंस निकालेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव को एडजस्ट करके, तो 3,54,000 ये हमारा नेगेटिव बैलेंस आएगा, जिसे हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं जो है इलस्ट्रेशन नंबर 41। इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव स्टेटमेंट ऑफ P&L का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग है 250 और क्लोजिंग है 10,00,000 रुपीज। प्रोविजन फॉर टैक्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 75 इन बोथ ईयर। ट्रेड पेबल गिवन है 1,00,000 प्रीवियस ईयर में, 375 करंट ईयर में।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 250,000 इन प्रीवियस ईयर और 2 लाख रुपीज इन करंट ईयर, और करंट असेट जिसमें इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल है 11,50,000 प्रीवियस ईयर में और 13 लाख करंट ईयर में। टैक्स पे हुआ है 75,000 का। तो देखिए ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू भी 75 दोनों साल में है, टैक्स पे भी 75 हुआ है, तो अकाउंट की नीड नहीं है। जो ऊपर अमाउंट ऐड होगा ऑपरेटिंग में वो भी 75 होगा, जो टैक्स पे हुआ है वो भी 75 होगा। और एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 175 सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 30%, यानी 175 के इन्वेस्टमेंट हमने 30% के लॉस में बेचे। तो देखिए इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग अमाउंट गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, तो पहले इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनेगा, देन हम ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। चलिए इसका हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टेक वन मोर इलस्ट्रेशन। दिस इलस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोथ, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 41। इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ओपनिंग ईयर बैलेंस 10 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000, सॉरी इन ओपनिंग ईयर 2,50,000 एंड करंट ईयर 10 लाख रुपीज, प्रोविजन फॉर टैक्स 75 इन ओपनिंग ईयर एंड 75,000 एज वेल इन करंट ईयर, ट्रेड पेबल इन ओपनिंग ईयर 1 लाख एंड 375 इन करंट ईयर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 250 इन ओपनिंग एंड 2 लाख रुपीज इन करंट ईयर, एंड करंट असेट्स 11,50,000 इन प्रीवियस ईयर एंड 13 लाख रुपीज इन करंट ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर सम इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 175 वर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 30%। तो देखिए सबसे पहले तो हमें टैक्स की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है और इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, तो हम अकाउंट बना लेते हैं। पर देखिए टैक्स ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू भी 75,000 है और टैक्स पेड भी 75,000 है, मीन जितना हमने प्रोविजन बनाया वही टैक्स हमने पे कर दिया, तो मीन उसके टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट्स होता है, तो इसकी ओपनिंग वैल्यू डेबिट साइड में आएगी टू बैलेंस बीडी के नेम से, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू है 2,50,000 और क्लोजिंग वैल्यू गिवन है बाय बैलेंस सीडी के नेम से हम जैसे लिखेंगे वो वैल्यू गिवन है 2 लाख रुपीज, यानी 2 लाख रुपए हमारी क्लोजिंग वैल्यू है। अब क्वेश्चन कह रहा है एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 175 सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 30%, यानी 175 कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट को हमने 30% के लॉस में बेचा, तो 175 का अगर 30% निकालेंगे तो ये आएगा 52,500, और 175 को अगर हम 52,500 के लॉस में बेचेंगे तो 1,22,500 निकल कर आएगा, ये हम यहां लिखेंगे बाय बैंक के नेम से 1,22,500 रुपीज, और जो लॉस हुआ है वो हम यहां लिख देंगे बाय पीएनएल 52,500 जो हमने ये अमाउंट निकाला था। अब हम टोटल लगाकर बैलेंस निकालेंगे, तो देखिए ये टोटल हो रहा है 2 लाख और 175 यानी 3,75,000, और 3,75,000 रुपीज में से अगर हम 250 माइनस करेंगे तो 1,25,000 ये हमारी टू बैंक के नेम से बैलेंसिंग फिगर आएगी परचेज की, यानी हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं 1,25,000। अब हम कैश फ्लो प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के थ्रू। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का ओपनिंग ईयर का बैलेंस था 250 और करंट ईयर का था 10 लाख, यानी हमको प्रॉफिट हुआ ओवरऑल 10 लाख रुपीज का, सॉरी 7,50,000 रुपीज का, तो 7,50,000 ये हमारा प्रॉफिट हो गया। इसमें हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, मैंने बताया कि सब हमको 75,000 ही दे रखा है, तो 75,000 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8,25,000, ये हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसे हम यहां पर ऐड कर लेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 52,500 रुपीज, तो ये हो जाएगा 8,77,500 रुपीज, ये हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और बिफोर वर्किंग कैपिटल
चेंज, यानी वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले जो प्रॉफिट है वो 877,500 है। अब देखिए ट्रेड पेबल दे रखे हैं जो 1 लाख से 375 के हुए, तो इन्हें हम ऐड करेंगे। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और ट्रेड पेबल कितने इंक्रीज हुए हैं, ये 1 लाख से 375 यानी 2,75,000 ये इंक्रीज हुए हैं। और एक है हमारी करंट असेट्स जिसमें इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल है, जो 1150 से 13 लाख के हुए हैं, इंक्रीज हुआ है पर ये लेस होगा। इंक्रीज इन करंट असेट्स और उसमें ट्रेड रिसीवेबल और ये इंक्रीज हुए हैं 1,50,000 के, और ये क्योंकि लेस होना है तो नेगेटिव फिगर है, तो ये हो गया 275 में से अगर 150 लेस किए तो हमने 125 बैलेंस बचा, 1,25,000। अब 1,25,000 अगर आप ऐड करेंगे 877 में तो ये हो जाएगा 9,27,000 और नहीं सॉरी ये हो जाएगा 10,02,500 रुपीज, 10,02,500 ये हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें से आपको लेस करना है टैक्स पेड, जो 75 है वो आप माइनस करेंगे तो ये बैलेंस वापस आ जाएगा 9,27,500 और ये हो जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब नंबर सेकंड आपको इन्वेस्टिंग भी निकालना है। इन्वेस्टिंग में आपकी इन्वेस्टमेंट की परचेज निकल कर आई है 125 की, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,25,000 ये नेगेटिव होगा क्योंकि परचेज आउटफ्लो होता है और आपने एक इन्वेस्टमेंट को सेल भी किया था, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आया था 122,500 और सेल हमारे लिए इनफ्लो होता है तो पॉजिटिव आएगा। ये दो ही आइटम है हमारे इन्वेस्टिंग केस में, तो देखिए 125 में 122,500 एडजस्ट करेंगे तो 2,500 नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा है, तो ये हो जाएगा हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 2,500 कैश फ्लो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन कंबाइंड था जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन ऑपरेटिंग भी था और इन्वेस्टिंग भी।